मैं हूं सानिया इद्रीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इमारत में एयर कंडीशनर की मरम्मत करने आए एक 19 वर्षीय युवक ने लिफ्ट में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वारदात नवी मुंबई के तलोजा इलाके में हुई है। वारदात के बाद बच्ची साहस दिखाते हुए अपने घर पहुंची और अपनी मां को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मां ने लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम मोहम्मद अख्तर हुसैन है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इमारत में स्थित एक घर में एसी रिपेयर करने आया था। लौटते वक्त उसने 5 साल की बच्ची को अकेले देखा तो उसे लिफ्ट में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तलोजा MIDC पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। सीनियर इंस्पेक्टर जे सोनवने ने बताया कि आरोपी के खिलाफ IPC और पैक्सो कानून के संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि आरोपी ने इससे पहले भी ऐसी वारदात को अंजाम दिया है या नहीं। तलोजा फेज 1 है, तलोजा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। वहाँ कविश साई बिल्डिंग करके है। वहाँ दिनांक 6/12 को 7:30-8 बजे के दरमियान ये बच्ची अपने पार्किंग एरिया में खेल रही थी, तो आरोपी ये कविशा साई बिल्डिंग में AC रिपेयर करने के लिए आया था। उसके बच्ची के रहने वाले बगल के फ्लैट में आया था वो, तो उसने नीचे दुरुस्ती का काम करते हुए वापस जाते हुए नीचे बच्ची को पार्किंग में खेलते देखा। उसने लड़की को पास में बुलाया और उसने वो लड़की को लिफ्ट में लेके ऊपर गया और लिफ्ट में ही उसने लड़की से लैंगिक अत्याचार किए, उसे सेक्सुअल असल्ट का किया उसने। फिर वो लड़की डर के मारे फिर वहां से भागी और घर में जाके वोमिट कर रही थी, तो उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो लड़की की उम्र 5 साल 3 महीना है। उसने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है लिफ्ट में, तो माँ तुरंत अपने हस्बैंड के साथ में नीचे आई और उसने देखा कि वो आदमी कहाँ है, तो वो पूछते पूछते वहां गर्दी जमा हुई और आरोपी वहां से चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की ने बताया कि वो अंकल ने ऐसा ऐसा मेरे साथ, पूछते पूछते वहां गर्दी जमा हुई और आरोपी वहां से चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी लड़की ने बताया कि वो अंकल ने ऐसा ऐसा मेरे साथ में घिनौना काम किया है, इसकी वजह से उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा, पुलिस स्टेशन में लाया, हमारे तुरंत यहाँ गुना दाखिल किया गया। 376 IPC की धारा है और पोस्को 4 और 8 के अंतर्गत उसके ऊपर हमने कार्रवाई कर किया, गुना दाखिल किया है। आगे की तफ्तीश हमारे सहायक पुलिस निरीक्षक गोरे कर रहे हैं और आगे आरोपी ने यहाँ कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं की है, गुने दाखिल है, इसकी हम जानकारी ले रहे हैं, आगे की तफ्तीश चालू है। आरोपी ये फिलहाल तलोजा में AC का काम करता है और वो मूल रूप का आजाद नगर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।